नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राई क्लीन के कंपनी के मालिक के दफ्तर में चोरी हो गई है। दरअसल मामला नोएडा के सेक्टर 121 का है, जहां पीड़ित सुमित कुमार की एक ड्राई क्लीन की कंपनी है। आरोप है कि कंपनी में काम करने वाले दो युवक अवनीश कुमार प्रजापति और उनके भाई मनीष प्रजापति ने चोरी की है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है और बताया है कि जब वे करीब 10 बजे रात को अपनी कंपनी में आए तो उन्हें कंपनी का सारा सामान बिखरा हुआ मिला, साथ ही करीब 1,80,000 रुपए और 4 मशीनें जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है वो गायब थे। पीड़ित ने पुलिस को अपनी शिकायत दी है और कहा है कि लगातार चोरी के आरोप भी लगा रहे हैं, साथ ही उनकी कंपनी में काम करने वाले जो है उन पर वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित मामले के बाद से ही अवनीश कुमार प्रजापति और उनके भाई मनीष प्रजापति को फोन लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का फोन बंद आ रहा है। फिलहाल नोएडा पुलिस पीड़ित की तहरीर पर मामला उन्होंने जांच पड़ताल में जुट गई है। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में महाराजगंज के एक बता दें कि लाल पंकज त्रिपाठी शहीद हो गए थे, जिसकी आज चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई है और आज भी पूरा क्षेत्र उनकी यादों को संजोए हुए उनके बलिदान पर गर्व कर रहा है। उनकी जाबाजी को चर्चा का विषय बना हुई है और साथ ही बता दें कि आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें गांव हरपुर बहलिया में स्थित उनकी प्रतिमा पर जिले के अधिकारी समेत क्षेत्र के हजारों लोग ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको याद किया है। देश की शहादत पर यह गर्व है कि ऐसा हमारा संतान उत्पन्न हुआ जो देश की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, समापन कर दिया, तो हमको इस पर गर्व है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे शोक भी है। क्यों? मनुष्य जब अपने पुत्र को उत्पन्न करता है तो उसके अंदर विचार धारणाएं बहुत आती हैं कि मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरा एक अवलंब बनेगा। लेकिन ठीक है, प्रभु को नहीं स्वीकार था तो अवलंब मेरा टूट गया, तो यह दुख है। लेकिन सुख हमको यह है कि देश की रक्षा में अपने को समर्पण कर दिए, तो हमको प्रशंसा है कि ऐसे सपुत्र जो है हमारे लिए उत्पन्न हुए कि जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पण कर। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले में आज के 4 साल पूरे होने के बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उसी घटना को देखकर बता दें कि देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी छपिया जयदेव ने सेना के जवान विजय कुमार मौर्य भी शहीद हुए थे। आज शहीद विजय कुमार मौर्य के पैतृक गाँव पर बता दें कि शहीद स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और ग्रामीणों ने इस दौरान उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2 मिनट का मौन रखा है। G20 मेहमानों के लिए आगरा किले के दीवान ए आम में बता दें कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाने और रिहर्सल के दौरान उनकी छत में दरारें आ गई है। इसकी शिकायत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी से की गई, जिस पर दोपहर बाद बता दें कि ASI अधिकारी का दल दीवान ए आम में इन दरारों को देखने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही बेहद गंभीर दरारें देखते ही तुरंत यहां पर बता दें कि बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि प्लास्टर या पत्थर किसी पर्यटक के ऊपर ना गिर पड़े।
झांसी के कस्बापुर क्षेत्र के ग्राम कायला में स्थित प्राथमिक विद्यालय में यूं तो 61 बच्चों का छात्र अंकन है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने सिर्फ 7 बच्चे मिले हैं। ग्राम के शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि विद्यालय में कोई भी अध्यापक प्रतिदिन नहीं आता है, कोई सप्ताह में तो कोई महीने में विद्यालय आते हैं। वहीं बताया है कि विद्यालय में तैनात एक अध्यापक ग्रामीण शिकायतकर्ता को शिकायत करने पर जेल भेजने तक की धमकी देते हैं, जिससे शिकायतकर्ता आत्मराम ने बताया है कि इससे पूर्व में ग्राम के लोगों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत पत्र दी गई थी और वही प्रधान अध्यापक द्वारा उनको जेल भेजने या किसी फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी। वही विद्यालय में फैली अर्थव्यवस्था का वीडियो में साफ देखने को मिल रही है। साथ ही बता दें कि विद्यालय परिसर मैदान में पानी, कीचड़ और साथ ही घर आदि साफ देखने को नहीं मिल रहा है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर बच्चे पहुंच रहे हैं और बच्चे कितने परेशान हैं, और साथ ही प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हाथरस में पुराने बोरवेल में गिरने से बता दें कि गिरे फोन को निकालने के प्रयास में एक व्यक्ति बोरवेल के अंदर गिर गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को रेस्क्यू कर 2 घंटे का प्रयास से बाहर निकाला है। वहीं युवक को गंभीर हालत में देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित वाटर बॉक्स कॉलोनी के पानी की टंकी के पास पुराने बोरवेल की बताई जा रही है। श्रावस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद है। दरअसल दबंगों ने बता दें कि वार्ड बॉय की जमकर पिटाई की है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को लाठी डंडा और साथ ही लात घूसों से मारा है। युवक ड्यूटी से वापस आ रहा था और इसी दौरान दबंगों ने घर के पास पीट कर घायल कर दिया उसे और आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई है। वहीं आरोप है कि पीड़ित को बचाने पहुंची भाभी और माँ भी दबंगों के द्वारा उनको पीटा गया है। साथ ही पीड़ित युवक जिला प्रशासन के सिटी स्कैन विभाग में वार्ड बॉय पद पर तैनात है। आने के बाद में रास्ते में शाहजाम के लड़के और यह जो बगल में घर बनवा रहे हैं यादव जी और ये गद्दीपुरा के 2-4 लोग और थे और सभी लोग गैंग बना के यहाँ तक वहाँ से खेदे हैं, यहाँ घर के सामने आके मारे हैं। फिर उसके बाद में जब पूरा मारने का प्लान बन गया है, किसी तरह जान बचाने के बाद में हमने भागा, फिर मेरे घर के परिवार सदस्य लोग पहुँचे, तब तक वो लोग फरार हो चुके थे। मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ में दौरान पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गया है। लुटेरे बता दें कि हरियाणा से कार लूट कर भाग रहे थे और मुठभेड़ फैक्ट्री एरिया के जंगल में हुई है। वहीं मुठभेड़ की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ ही फॉरेंसिक टीम पहुंची है और पकड़ा गया लुटेरा हरियाणा का फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। जालौन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो बाहर प्रदेश के और अपने ज़िले में कि आपराधिक घटना करने आए हैं। इस सूचना पर SOG इंचार्ज ने और फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज ने इस सूचना पर काम किया और इन बदमाशों की गाड़ी को रोका, उनको चेस करके रोका। बदमाश हाईवे छोड़ के लिंक रोड पर आ गए। लिंक रोड पर आने के बाद आगे उनकी गाड़ी फंस गई, 2 बदमाश उसमें से उतर के भागे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जालौन पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग करी।
में संदिग्ध परिस्थिति में अर्धनग्न शव बरामद किया गया है। और साथ ही बता दें कि मामले को लेकर परिजन ग्रामीणों के साथ पोस्टमार्टम के बाद ही शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। परिजन बता दें कि नामजद रिपोर्ट दर्ज कर हथियारों की गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर अड़े नजर आए हैं। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। वहीं परिजनों ने क्षेत्र अधिकारी ललन सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाया है। मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के चंदौकी गांव का बताया जा रहा है। आगरा में आज हिंदू कल्याण महासभा ने मौलाना अशरद मदनी के बयान को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के बारे में जो गलत बोलेगा उसे लट्ठों से पीटा जाएगा। साथ ही बता दें इसी को लेकर हिंदू कल्याण महासभा ने आज भगवान टाकीज चौराहे पर मौलाना आजाद मदनी का पुतला बनाकर उसे लट्ठों से पीटा है। साथ ही बता दें कि इस दौरान हिंदू कल्याण महासभा ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आज जो हमने कार्यक्रम किया है, पिछले 3-4 दिनों से जो इनके मौलाना आजाद अरशद मदनी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आज वो कहते हैं कि सनातन धर्म से पहले अल्लाह आए थे, मनु का हवाला देते हैं। उन्हें उस पागल इंसान को कुछ नहीं पता है, उस पागल इंसान को ये नहीं पता है कि वो हिंदुस्तान की धरती पे है। आज वो भूल चुका है कि जिस धरती पे सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म की धरती पे वो बकवास कर रहा है। आगरा में G20 की सफलता के बाद से अधिकारी गदगद दिखे हैं। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर बता दें कि प्रतिनंदर सिंह ने आम लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा है कि शहर को सुंदर बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है, जिसका अब फल मिला है और साथ ही लोग नए आगरा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अगर बात करें हम तो यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व शहर की सुंदरता को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो तत्काल ही पुलिस को उसकी सूचित करें। और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे ही सुंदर शहर बनाए रखने के लिए लोगों का अपना सहयोग दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स की है, उसके लिए हमने अलग से ड्यूटीज लगाई हैं, पेट्रोलिंग भी लगाई है, पिकेटिंग भी अपनी रीअरेंज की है। जो हमारे यूपी 112 के व्हीकल्स हैं या हमारे अदरवाइज मोबाइल व्हीकल्स हैं, उनको हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि कोई भी इस तरह के शरारती तत्व कहीं डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ और इसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी टीम्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे आगरा के रेजिडेंट्स को भी अपील है कि G20 वॉज जस्ट 3 दिन का इवेंट था, उससे पहले कई महीनों की ये मेहनत है जिस कारण से हमारा आगरा एक बेहतर तरीके से सबके सामने आया है। मैं देखता हूँ शाम को बहुत से लोग अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स पे फोटो खींचते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलना आना उनको पसंद है। अमेठी में बता दें आपको कि संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों और साथ ही पुलिस में काफी नोकझोंक देखने को मिली है। साथ ही मृतक के परिजनों ने CO अमेठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी कड़ी में मशक्कत के बाद से प्रशासन ने मृत के परिजनों को समझा बुझा कर अंतिम संस्कार के लिए राजी करवाया है। बता दें कि मुंशीगंज थाना क्षेत्र के चंदौकी निवास विजय सिंह का शव थाना क्षेत्र के भुसियावा के पास सड़क पर अर्धनंग अवस्था में बरामद किया गया था, जिसके बाद से पुलिस मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज शव मिलने के बाद से मृतक के परिजनों ने बता दें कि चंदौकी गांव के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने ही शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुए, बता दें कि बीएमएस उत्तर पुस्तिका कांड में पुलिस ने 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। और वही बता दें कि विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक कुलपति विनय पाठक का प्रकरण सामने आने के बाद से सनसनीखेज मामला 2 महीने से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। विनय पाठक समेत विश्वविद्यालय के अन्य घोटालों की जाँच विशेष कार्य बल पर थी, जिसके चलते पुलिस विचार विमर्श गति धीमी पड़ी हुई थी। वही विनय पाठक के खिलाफ लखनऊ में दर्ज भ्रष्टाचार में अभियोग सीबीआई स्थानांतरित हो चुका था। आगरा विश्वविद्यालय में जो बीएमएस की कॉपी बदलने का प्रकरण आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है राहुल पराशर, उसने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। 13 लोगों के खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट लगाई जा चुकी है और 6 लोगों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जैसे जैसे पुलिस को तथ्य और सबूत मिलते आएंगे वैसे वैसे हम लोग कार्रवाई करते जाएंगे। हरदोई के सरसा, बता दें कि सुरसा थाना क्षेत्र के समरा चौराहे चौकी के पास गैस सिलेंडर से लदे एक पिकअप डाला में भीषण आग लग गई है, जिसमें अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग लगने की वजह से बता दें कि ट्रैफिक जाम हो गई और साथ ही मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल के ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है। यूपी के पीलीभीत में ऑल इंडिया पासमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता दें कि परवेज हनीफ ने बता दें कि सद्भावना सम्मेलन में महमूद मदनी के बयान का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में 85% पासमांदा मुस्लिम रहते हैं और साथ ही महमूद मदनी ने जज्बाती तरीके से ये बातें कही है। साथ ही बता दें कि ये ना तो कहीं किताब में लिखा हुआ है और ना ही कुरान की बात कर रहे हैं, यह सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने के लिए सरकार को प्रभावित करना चाह रहे हैं। साथ ही कहा कि धर्म के सद्भावना सम्मेलन में ओम और इस्लाम के अंतर नहीं होना चाहिए। सद्भावना का मतलब तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर कायम रहें। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बता दें कि डीसीएम ट्रक को पकड़ा है और साथ ही जिसमें लाखों रुपए की कीमत की चोरी की पाइप बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने एक शिफ्ट डिजायर कार भी बरामद किए हैं। एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और देसी तमाम चीज़ें बरामद की गई है। वहीं पुलिस के अनुसार पकड़ा हुआ अंतर्राज्यीय पदीय गिरोह है और साथ ही फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना प्रभारी नीरज यादव मुरादीपुर चौराहे के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना दिया और इस दौरान इस ट्रक को अपनी गिरफ्त में लिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।